तीन वृद्ध महिलाओं का कत्ल कर दिया गया था। उनमें से दो औरतों को पुणे में दो दिन के गैप में मारा गया था, जबकि तीसरी महिला को 4 महीने पहले नागपुर में मार दिया गया था। इन तीनों हत्याओं के बीच में एक कनेक्शन उभर आया था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये कोई सीरियल किलर है जो पब्लिक के बीच में शिकार कर रहा है। सर, बाइक के पेट्रोल टैंक पे लिखा देवराज इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्लू है। बाइक मैकेनिक के जितने भी गैरेज है हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सब जगह खबरें लगा दी। और नागपुर, सब इंस्पेक्टर काले नागपुर के लिए निकल चुका है, क्योंकि पद्मा जी ने अपनी बेटी नूतन को कभी कुछ बताया नहीं और नूतन ने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं। हमने सब जगह खबरें लगा दी है, गहने अगर ज्वेलरी मार्केट में बेचे गए तो हमें तुरंत खबर मिल जाएगी। ज्वेलरी के काम में केलाइट सल्फेट भी तो इस्तेमाल होता है। हमें लगता है कि केलाइट सल्फेट किसी ज्वेलरी शॉप से चुराया गया है। जितने भी लाइसेंस एजेंट हैं हमने सबको टैप किया लेकिन कुछ नहीं निकला। ये चोरी के जेवर खरीदने वाले चोरियों को थोड़ा हीट तो हो सकता है ये किलर के साथ मिले हो। सो वैसे पैटर्न तो सीरियल किलर का है और तीनों केसेस में घर भी लूटे गए। अब ये सरफिरा या लुटेरा तो वक्त ही बताएगा। जरूर बताएगा, वो खुद बताएगा। कविता यादव केस में हमने हर इंस्टीट्यूटर को तोड़ा, हमें लगा ये रॉबरी का केस। नारियल पानी में मेजो 15 मिलाकर विक्टिम को बेहोश किया गया। अगर ये सिंपल रॉबरी का केस होता तो कविता जाधव कातिल के लिए दरवाजा नहीं खोलती और उसे अंदर नहीं बुलाती। पर कविता जाधव ने कातिल के लिए दरवाजा खोला और उसे घर के अंदर बुलाया, जैसा शायद पद्मा गांवकर और शांता तांबे ने भी किया। आजा। इसमें कोई शक नहीं कि किलर कविता जाधव को पहचानता था। दरअसल कातिल की एक टीम है, ये एक जोड़ा है जिसने तीनों बूढ़ी औरतों से जान पहचान बढ़ाई, इनके घर में घुसे, घर को लूटा और उसके बाद इनका कत्ल कर दिया। ये दोनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। इन दोनों ने कुछ दिन पहले पुणे में दो बूढ़ी औरतों को अपना निशाना बनाया। कविता जाधव यहाँ नागपुर में अकेली रहती थी। ये कविता जाधव किरायेदार ढूंढ रही थी? शायद नहीं, उनका बेटा लंदन से आया था, उसने तो कुछ नहीं कहा, ना ही इलाके किसी ब्रोकर ने कहा। ये कविता जाधव कौन थी, क्या करती थी, इसकी दिनचर्या क्या थी, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। इस फाइल में मैंने एक एक डिटेल्स डाली ताकि उन्हें कातिलों के बारे में और उनके मकसद के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन एक अहम सवाल था कि क्या कविता के हत्यारे वाकई में वही थे। पुणे डबल मर्डर केस में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं। हाल ही में पुणे शहर में दो वृद्ध औरतों की हत्या की गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। पुलिस ने पुणेकरों से और खासकर अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर किराए पर देते समय सतर्क रहें और साथ ही दरवाजे पर आए अजनबियों को घर के अंदर आने ना दें, फिर चाहे वो अपने आप को सेल्समैन बताएं या सरकारी नौकर। ये जोड़ा आखिरकार कौन था, क्या मकसद था उनका, वो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाते जिसकी वजह से उनके शिकार खुद ब खुद जहर से लदा नारियल पानी पी लेते जो ये दोनों उन्हें ऑफर करते। एक अजनबी के लिए पद्मा से बात करना भी लगभग नामुमकिन सा था, तो फिर इन दोनों ने उसके घर में घुसकर उसे भी जहर से भरा नारियल कैसे पिलाया। और 4 महीने पहले भी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई कविता जाधव के साथ। बाबा प्लीज जरा याद कीजिए, आईने कुछ तो बोला होगा उन दोनों के बारे में, नाम पता कुछ भी नहीं रे, बस इतना कहा था कोई शादीशुदा जोड़ा है, आदमी का पुणे में जॉब लगा है। दो हफ्ते पहले लास्ट बात हुई थी आई से, उसके बाद नहीं। पुलिस कह रही है कि लाइट सल्फेट नारियल पानी में मिला के दिया गया था,
जो तुम्हारी आई ने पी लिया। यही बात तो मुझे नामुमकिन लग रही है। आई किसी अजनबी को घर पर बुलाकर उसका दिया हुआ नारियल पानी कैसे पी सकती है? विक्टिम्स के परिवार वालों और पुलिस के दिमाग में सवाल बरस रहे थे, लेकिन जवाबों का अकाल था। शिंदेश, कविता जादव को आर्थराइटिस था। ये हफ्ते में दो बार फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। फिजियोथेरेपी सेंटर का एड्रेस है यहाँ? जी सर, कविता जादव हमारी रेगुलर पेशेंट थी। हफ्ते में दो दिन उनका सेशन होता ही था। कब से कब तक आती थी? सर, 3 साल पहले उन्हें अर्थराइटिस का दर्द बढ़ गया था, तो तब से वो आती थी, करीब 4 महीने पहले तक। वैसे मैंने पहले जो इंस्पेक्टर आए थे उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अमृता जी, हम पुणे से आए हैं। जिस तरह से कविता जादव मारी गई, ठीक उसी तरह से कुछ दिन पहले पुणे में 2 सीनियर सिटीजन्स के मर्डर हुए। सर, मैंने न्यूज पढ़ी पेपर में। हमें इन दोनों पर शक है। ये फोटो देखकर कुछ बता सकती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सर, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अमृता जी, कविता जादव बूढ़ी थी, अकेली रहती थी, हस्बैंड की पेंशन आती थी उन्हें, उनका बेटा लंदन में रहता है। तो अगर उनका कहीं भी आना जाना था तो यहीं आपके सेंटर में। हफ्ते में 2 दिन आती थी सेशन के लिए। यस सर। क्या यहाँ से कोई उनके घर जाता था फिजियोथेरेपी सेशन के लिए? जी नहीं, हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स है, बिना परमिशन के कोई भी थेरेपिस्ट किसी भी क्लाइंट के लिए होम विजिट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कत्ल भी कोई परमिशन लेकर तो नहीं करता ना। क्या चाहते हैं सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सरला टिपनेस, अश्विन पड़सुरे, ज्योति कामले और निधि शर्मा। सर, ये नाम मैंने ही पहले पुलिस इंस्पेक्टर को दिए थे, यानी ये वही लोग हैं जो कविता जी को सेशंस देते थे। अब इन नामों के चेहरे भी मुझे चाहिए, मतलब इनकी फोटोस, इनके नंबर और एड्रेस भी चाहिए। जी सर। कविता जादव के साथ फिजियोथेरेपी सेशंस करने वाले 4 थेरेपिस्ट में से एक नाम था अश्विन परचुरे। ये लीजिए सर। आरोपी की तस्वीर ठीक पुलिस के सामने थी, पर पुलिस को उसे पहचानने में अभी काफी वक्त लगने वाला था और मेहनत भी। इनकी कॉपीज चाहिए मुझे। 2 मिनट। दूसरी तरफ पुणे में पुलिस उनके हाथ लगी बाइक पर लिखे गए देवराज वाले सुराग का पीछा कर रही थी। पंकज भाई, ये एकदम फुल तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक बात पक्का है, इस बाइक का लाइट ठीक किया था ना। कब की बात है ये? ये हो गया करीब 4-6 हफ्ता पहले। इधर ही किया था तूने ठीक? नहीं, तभी मैं इधर नहीं, वो उस्मान भाई है ना, उनके गैरेज में काम करता था। अच्छा, तुझे कैसे मालूम कि ये वही बाइक थी? अरे ये जो इधर लिखा है ना देवराज, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि किस लिए लिखा है, इसीलिए याद रहा। अच्छा, ये उस्मान का गैरेज किधर है? ये इधर पिंपरी में। ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है सर, लेकिन कविता जादव के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। सबके पुणे के साथ कनेक्शन भी देखना। जी हाँ सर। वैसे कविता जादव के बाकी रिश्तेदार को भी टैप किया है, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वक्त निकला जा रहा है काली, मुझे डर है कहीं वो अपना अगला शिकार ढूंढने ना निकल पड़े। Thank you.
नमस्ते काकू। नमस्ते, बोलो बेटा। वो मैं कुंते जी के यहाँ आई थी, उनका दरवाजा बंद था, तो कोई आइडिया है कि कहाँ गए हैं वो? नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती, फोन कर लो ना। वो मेरे फोन की बैटरी डेड है, एक कॉल कर सकती हूँ आपके फोन से प्लीज? बस एक ही कॉल, उन्हें कुछ बात बतानी थी, थोड़ी अर्जेंट है, प्लीज। प्लीज काकू। ठीक। देवराज। हाँ, दो तीन बार आई थी यहाँ पे। इसी की फोटो है? अरे यार, सर पर हेलमेट और एकदम सड़ियल सा फोटो, कैसे बोलूं वही है कि नहीं? अरे मतलब बिना हेलमेट का ढंग का फोटो लाऊंगा तब तो पहचान लेगा ना उसको? हाँ पहचान लूंगा। और कुछ पता है इसका आता पता नंबर? वो सब नहीं मालूम, पर हाँ ये भाई सोने का काम करता है। गहनों का मतलब सुना रहे? हाँ। तुझे कैसे पता? महंगाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, साला हर चीज का दाम डबल। अपने को लगता है लाइन ही छोड़ना पड़ेगा। हर लाइन का यही हाल है। अभी देखिए सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, सुनार का दाम घटता जा रहा है। क्या बात है, आप सोने का काम करते हैं? वाह। ये वाह बाहर वालों को ही लगता है, अंदर की बात हम लोग ही जानते हैं। बन गए साहब। गाड़ी का नंबर नोट किया था? इतना चिल्लर काम के लिए कोई गाड़ी का नंबर काहे को नोट करे? अरे मतलब कुछ तो पता होगा इसका, अता पता नंबर वगैरह। उस्मान भाई दिमाग पे जोर डालिए, बहुत जरूरी है ये। अरे यार कोई बहुत लंबी गुफ्तगु थोड़ी हुई थी उससे, बस बात बात में बात निकल गई। पिंपरी में बाइक का काम कराता है, मतलब पिंपरी के आसपास ही कहीं रहता होगा। सोना रे साहब, ये भी एक ठोस खबर मिली है। उसकी बाइक पर देवराज लिखा है ये भी पता। हाँ, और साथ में लड़की भी है। देखिए साहब अभी चार चार सबूत है आपके पास। सिर्फ मेरे पास नहीं, तेरे पास भी पंकज। अपनी पूरी टीम पूरे शहर में लगा दे, फिलहाल दूसरे काम ड्रॉप कर और इस पर ध्यान दे। समझा साहब, अभी सारे काम ड्रॉप, सिर्फ इसका ही कैच पकड़ना है, और उसके लिए जरा सी बड़ी फील्डिंग लगानी पड़ेगी, मतलब मैच का स्पॉन्सरशिप अगर हो जाए तो। पहले से रेडी रखा है, बस अब एक और भी विकेट गिनना नहीं चाहिए। मैंने ऊपर वाले अमर कुंते को झूठ मूठ का फोन लगाया। अच्छा कुंते काका, ठीक है मैं कल आऊंगी। हाँ बाय। थैंक यू काकू। काकू वो मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? इधर। थैंक यू। घर में किसी और के होने की निशानियां नहीं है और सोसाइटी में सीसीटीवी नहीं है। तीन दिन चक्कर काटे मैंने, कोई वॉचमैन भी नहीं है। सर हमने चारों फिजियोथेरेपिस्ट की स्कैनिंग की है, जिसमें से तीन क्लियर है, बस एक अटका हुआ है। कौन? अश्विन परचुरे। सर इसका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट आ रहा है। इसके फॉर्म पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो किराए के घर का है जो एक साल पहले ही छोड़ चुका है। वेरिफिकेशन का कोई और सोर्स नहीं? सर फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर पूछना पड़ेगा। हमें जब तक इस अश्विन परसुरे के बारे में पूरा पता नहीं चल जाता तब तक हमारे लिए यही सस्पेक्ट। सर
सर, अश्विन ने 1.5 साल पहले ही क्लिनिक छोड़ी थी, उसके बाद उसका और हमारा कोई टच नहीं। आपका टच नहीं होगा, पर किसी ना किसी का टच तो रहा ही होगा ना, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। मैं यहाँ 2 साल पहले आई हूँ, अश्विन 3 साल पहले से यहाँ था। मुझसे पहले यहाँ पे राधिका नाम की रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। स्ट्रॉन्ग लाइफ फिजियोथेरेपी सेंटर, मे आई हेल्प यू? सर, मैं राधिका से पहले मिली नहीं हूँ। हाँ, पर मैंने सुना था कि राधिका और अश्विन परचुरे की शादी वादी हो गई थी। इस राधिका की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? आपकी फाइलों में है? सॉरी सर, इतने पुराने डिटेल्स नहीं है हमारे पास। सर, हमने अश्विन परचुरे फिजियोथेरेपिस्ट का लुकआउट नोटिस जारी तो कर दिया है, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने वाला मामला है सर। काले अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे तो अंधी गली में बहुत जल्द एक और शिकार होगा। ये आदमी हमारे लिए सस्पेक्ट, अपने पूरे नेटवर्क में इसकी फोटो डिटेल्स घुमा। राइट सर, इसका फोटो मैं अभी आपको भी सेंड कर रहा हूं। पंकज, इस फोटो की वेरिफिकेशन का तुरंत। 15 मिनट हो साहब, ओनली 15 मिनट्स। पक्का? पक्का। नागपुर और पुणे के बीच में घूमते घामते आखिरकार पुलिस के पास संदिग्ध की तस्वीर थी। नाम था अश्विन परचुरे, पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट। उसकी बाइक के पेट्रोल टैंक पर देवराज लिखा था और उसकी पत्नी थी राधिका। जाहिर था कि पीड़ितों के किसी भी रिश्तेदार को इस जोड़े के बारे में नहीं पता था, लेकिन नागपुर के साथ इस जोड़े का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा था। सर, हम अपनी पूरी ताकत से इस आदमी को ट्रेस करने में लगे। सर, बस एक ब्रेक थ्रू वाला सुराग हाथ लग जाए, अगले ही पल ये आदमी हमारे हाथों में। बस उम्मीद करता हूँ कि कोई और सीनियर सिटीजन इस किलर जोड़े के हाथ में लगा। कल दोपहर का टाइम बेस्ट रहेगा, निकलना भी आसान होगा, ना तो कोई होगा और ना ही कोई टेंशन होगी। लेकिन इस बार नारियल नहीं, कुछ और। सर, इस अश्विन परचुरे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। लोकेशन मिली? नहीं सर, अभी नहीं। लेकिन यहाँ बिलानगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज है। 10 मिनट में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसकी वाइफ का नंबर ट्रैक करो, हमें लगता है जो औरत उसके साथ है वो इन मर्डर्स में शामिल है, वो उसकी पत्नी राधिका हो सकती है। राइट सर। दहेज के लिए हैरेसमेंट का केस 8 महीने पहले दर्ज हुआ था। इसकी पत्नी का नाम नलिनी? हमें पता चला था इसकी पत्नी का नाम राधिका है। नलिनी ने ही कंप्लेंट किया था, वो अपने माँ के साथ आई थी शिकायत दर्ज करने। मैं उसके घर भी गया था, ये पास में ही जयनगर में। और ये अश्विन, इसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? मैंने उसे गिरफ्तार किया, अभी वो बेल पे बाहर। किस कोर्ट में? हियरिंग के वक्त अश्विन परचुरे कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। कोर्ट ने अश्विन परचुरे को एब्सकॉन्डर घोषित किया था। नलिनी यही रहती है? हाँ, मैं उसके आई हूँ। बुलाई उसे। वो बाजार गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी। मुझे क्या पता अश्विन कहाँ है? 8 महीने पहले मैंने उसे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। वो अपना चेहरा कहाँ छुपा रहा होगा? नरक में छुपा रहा हो, मुझे क्या लेना देना? राधिका को जानती है? मुझे उस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो मैं क्या करूँ, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि तीन परिवारों का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। तीनों घरों से आपके वहां की उम्र की औरतों का कत्ल किया गया, और वो भी बहुत बेरहमी से। पर अश्विन हमारा सस्पेक्ट है।
और आप नलिनी जी अश्विन की पत्नी है। मैं उसकी कुछ नहीं हूं, मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, लेकिन जितना जानती थी उतनी ही नफरत करती थी उससे। तुम्हारा ये वैश्यपन मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। थप्पड़ मार दी। मार मत मुझे, चीटर। थप्पड़ मार क्यों? मत मार मुझे, चीटर कहीं का। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। वो राधिका से पहले से शादीशुदा था। जब मैंने उससे पूछा तो जवाब में उसने मुझे मारा। अगले ही दिन पुलिस में मैंने उसकी कंप्लेन की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर उसके पिता ने उसकी जमानत करवा दी। पिता ने? कहाँ रहते हैं वो? यहीं नागपुर में, 124/13 पंडित चौक, नामदेव परसुरे नाम है उनका। नामदेव परसुरे को बुलाओ। वो 6 महीने पहले रहता था यहाँ पर, मैं यहाँ नया किराएदार हूँ। कहाँ गया वो? पता नहीं, अश्विन के बाप ने घर छोड़ दिया है तो वो किसी और घर में होगा। हम निकालो उस साले को होटल से। अश्विन और राधिका परचुरे 24 घंटे के अंदर मेरे सामने होने चाहिए। सर, ये नामदेव परचुरे एक प्राइवेट क्लिनिक में वार्ड बॉय था, वहाँ का एड्रेस मिला है, शायद वहाँ से कुछ मिल गया। थोड़ा टाइम दीजिए सर। मौत जिंदगी को टाइम नहीं देती है राणे, ये लोग सीरियल किलर्स हैं, मतलब समझते हो ना इस बात का? कोई टाइम नहीं मिलेगा। तापमान बढ़ता जा रहा था, चूहे बिल्ली का खेल और पेचीदा होता जा रहा था। एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक पर लिखे एक नाम से शुरुआत करते हुए पुलिस ने बड़े संघर्ष के बाद पुणे की शांता तांबे, पद्मा गांवकर और नागपुर की कविता जाधव के संदिग्ध हत्यारे अश्विन परचुरे और उसकी पत्नी राधिका परचुरे का पता लगाया था। पर हकीकत यह थी कि पुलिस के पास ना तो इन दोनों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने जैसे कोई सबूत थे और ना ही उन तक पहुंचने के कोई सुराग। दूसरी तरफ ये जोड़ा अपने नए शिकार के लिए घात लगाने के बाद उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो गहने बेच दे क्या? नहीं, थोड़ा टाइम और रुक जाए, पर वैसे भी गहने हम यहाँ नहीं बेचेंगे। तो फिर कहाँ? कहीं और। आज के काम के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ साहब, मैं अभी वो नामदेव परचुरे के जस्ट घर के बाहर खड़ा हूँ। पप्पू वहाँ से हिलना नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ, चलो। सर, अश्विन परचुरे का बाप नामदेव परचुरे ट्रेस हुआ है, आज हम उससे पूछताछ करने वाले हैं, वो अश्विन का पता जरूर जानता है। ये एक एक दिन हमारे डिपार्टमेंट और हमारे पर्सनल रेपुटेशन पर भारी पड़ता जा रहा है, हमें जो भी करना है आज के आज ही करना है। जी, नामदेव परसुरे। हाँ, तुम्हारे बेटे अश्विन परसुरे का नंबर और एड्रेस दोनों दो। मेरे पास तो नहीं है साहब। नहीं है वही है, मत बोलना। उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, हलक में हाथ डाल के उसका पता निकलवाऊंगा। 5 साल पहले मैंने उसे हमारे क्लिनिक में नौकरी दिलाई थी, फिजियोथेरापी डॉक्टर के हाथ के नीचे लगाया था, लेकिन वहाँ काम सीखने के बाद वो उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो कहाँ है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं है साहब। मर्डर करता है तुम्हारा बेटा। क्या? तुम्हारे बेटे अश्विन और उसकी बीवी राधिका ने मिलकर यहाँ नागपुर में एक और पुणे में 2 बूढ़ी औरतों का कत्ल किया है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? 3 महीने से उसने मुझे फोन तक नहीं किया है। उसका पुणे का एड्रेस बताओ नामदेव। 6 महीने पहले वो अचानक घर छोड़ के चला गया साहब। पुणे का एड्रेस और नंबर? कसम से कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता। सर, नामदेव और अश्विन की दूसरी पत्नी नलिनी दोनों के घरों के बाहर आदमी लगा है, लेकिन ये दोनों ही अश्विन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। 24 घंटे नजर रखो राणे, बहुत जल्द हम इस केस को क्लोज करने की दिशा में चल रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी अपनी एनर्जी लूज मत होने देना। नहीं सर, कुछ ना कुछ पता लगवा के रहूंगा इनसे। गुड सर, पिंपरी पूरी तरह से कवर की जा रही है, हर एक एस्टेट एजेंट, गैरेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, हर जगह पर हमारी टीम और खबरी अपनी नजर रख रहे हैं। कोई लीड मिली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। काले,
कमिश्नर के ऑर्डर है कि अगर जरूरत पड़े तो हम इस शहर की पूरी टीम सिर्फ इस केस पर लगा सकते हैं, लेकिन वो कपल और एक मर्डर नहीं करना चाहिए, ना ही ये शहर छोड़कर भागना चाहिए। घड़ी पैक करना भूल गई? भूली नहीं हूं, खाना खाने के बाद सबसे लास्ट डालूंगी बैग में। एक सुई भी छूटनी नहीं चाहिए। सब सेम टू सेम है साहब। पेट्रोल टैंक पर देवराज लिखा है? तभी तो फोन किया ना साहब, जल्दी से आ जाओ। हमारी वाली बॉटल पे मार्किंग कर दी थी? निशान लगा दिया है, छोटा सा। साहब वो उधर वहां। कहीं जा रहे हैं आप लोग? आउट ऑफ पुणे? कोई नया शहर? क्या चाहिए तुम्हें? चुटकी भर केलाइट सल्फेट चाहिए। जैसे मर्जी वैसे दे दो, नारियल पानी में डाल के या जैसे भी कंफर्टेबल हो, हमें चलेगा। वो कौन रहे तुम लोग? जहर, जुर्म को मारने वाला जहर, वैसे हमें पुलिस भी कहते हैं। जितनी मर्जी इसकी फिजियोथेरेपी करा लेना, जिंदगी में अब ये कभी सीधा नहीं चल पाएगा। और नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। शांता, तांबे और पद्मा गांवकर के घर से जितने भी तुमने जेवर चुराए सब हमने रिकवर कर लिए, इसलिए किसी भी बात से इनकार मत करना। ये नलिनी को छोड़कर मेरे पास वापस आ गया था। मुझे इसकी दूसरी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये वैसे भी उसे छोड़ चुका था। अपने सेंटर में एक पेशेंट थी। कौन? कविता यादव। वो आर्थराइटिस वाली? हाँ वही। हेलो। हेलो, कैसे चल रहा है मिसेस यादव? चल रहा है धीरे धीरे, दर्द के साथ लुका छुपी। मैंने फिजियोथेरेपी का काम छोड़ दिया है, ज्वेलरी का काम शुरू किया है, सोने की ज्वेलरी। पैसा बहुत है इस काम में, इन पैसों से अपना खुद का थेरेपी सेंटर खोलूंगा, दोनों की लाइफ सेट। लेकिन अश्विन, इस सब का कविता यादव से क्या कनेक्शन है? मैं थेरेपी बहुत अच्छी देता था ना, सेंटर छोड़ने के बाद वो मुझे अपने घर बुलाती थी थेरेपी के लिए। तो बुढ़िया सोना बहुत पहनती है,
और रहती भी अकेली है। आजा। नारियल पानी में नींद की गोलियां मिलाई, मेजो 15 जी। तो फिर मेजो 15 की जगह केलाइट सल्फेट क्यों? ताकि बचने का कोई चांस ही ना हो। नागपुर में एक मर्डर करने में कामयाबी मिल गई, तो और मर्डर करने के लिए जोश बढ़ गया तुम दोनों का? हमने उस लेडी शांता तांबे के घर की रेकी 3 दिनों तक की, हमने किराए वाला नोटिस देख लिया था। हमने नोट किया था कि शांता का पति काम से पूरा दिन घर से बाहर रहता है और वो घर पर अकेली। 9 मई को हम किराएदार बनकर उसके पास गए, 10 मई को काम करने का प्लान था। मतलब उसे मार डालने का? लेकिन 10 मई की सुबह को उसका फोन आया। हाँ शांता काकी। अश्विन, आप लोग आज नहीं कल आ जाना। क्यों, आप किसी और को कमरा दे रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड ने कहा वो भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही फाइनल करेंगे। वो कल ही आएंगे घर। क्या है ना, 2 दिनों से घर आए नहीं वापस काम से, तो आप लोग ना कल दोपहर के बाद आ जाना। हाँ ठीक है काकी, तो हम कल शाम 6 बजे के आसपास आते हैं। हाँ ठीक है। कह रही है कल पति के लौटने के बाद आकर मिलो। मतलब आज पूरा दिन अकेली रहेगी घर पर। आप लोग अभी, कल मिलने की बात हुई थी ना? होगा कि पन, हमने सोचा कि चल के आपको मस्का लगाते हैं ताकि आप काका को समझाएं कि कमरा हमें ही किराए पर दें। वो काहे तुम ही पढ़ काकी, वो हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको हेलो बोलते चले। बराबर या काकी, वो इतनी गर्मी थी ना, नारियल पानी बेच रहा था, सोचा आपके लिए ले ले। या काकी, होटल में एक एक दिन का इतना खर्चा होता है कि पूछिए मत। अगर ऐसा है तो आज ही आ जाइए ना आप लोग रहने के लिए, मैं इनसे बात करती हूँ। नको काकी, हम लोग कल से रहने आ जाएंगे काका से मिलने के बाद। आप ये नारियल पानी लीजिए ना। अगर नको, तुम लोग पी लो, मुझे नहीं चाहिए। काकी, हम लोग ये वाला शेयर कर लेंगे, आप ये वाला लीजिए। लीजिए ना, बीपी का राम बाण इलाज है काकी, और अपने मिस्टर को भी रोज पीने के लिए बोलिए। वो अश्विन ने उसे किराने की दुकान पर देखा था। नहीं चाहिए मुझे तेरा सामान, रख ले। काकू, आओ काकू। बहुत प्रॉब्लम होगी ना उनके घर में। इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसके घर पे कोई नहीं है। पता चला अकेली रहती है वो। पर तुम दोनों उनके घर में कैसे फंसे? वो तो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। और पद्मा गांवकर, तुम दोनों उनके घर में कैसे फंसे? वो तो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, पर हम पर कर लिया। क्या है? मिसेस पद्मा गांवकर। हाँ तो कौन हो तुम लोग? मैडम, हम लोग किराए पर रूम ढूंढ रहे हैं। मैंने के लिख के रखा है क्या, किराए पे रूम देना है करके? हाँ यार, रूम वूम कुछ नहीं है, जाओ। मेरा नाम पता तुमको किसने दिया रे? जी वो किसी की पहचान कहीं से निकली तो उन्होंने बताया आप अकेली रहती हैं,
देखिए पास में मेरा जॉब लगा है, हम लोग पुणे में नए हैं। लेकिन मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, समझे? काकी मुझे घर का सारा काम आता है, आपका हाथ बटेगा और आपके किसी काम में कभी कोई दखल नहीं दूंगी। अरे बोला ना मुझे किसी के साथ नहीं रहना। बेटी समझकर एक महीना हमें ट्रायल पर रख लीजिए प्लीज। पूरा पैसा आपका एडवांस देंगे, आप कहेंगे तो मैं ऑफिस से लेटर ला के दे दूंगा। काकी इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। काकी अगर आपके घर का एक भी नियम टूटा तो हम लोग खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। घर के सारे काम मैं कर दूंगा, प्लम्बिंग से लेकर इलेक्ट्रिक सब, पेशा है मेरा। लेकिन पहले मुझे तुम दोनों की पूरी जानकारी चाहिए, फिर सोचूंगी। इस जोड़े ने पद्मा गांवकर को अपनी मीठी बातों में फंसा ही लिया। अश्विन और राधिका ने झूठ के जाल में पद्मा गांवकर को पूरी तरह मुक्त कर लिया। पद्मा ने नारियल पानी भी पी लिया और केराइट सल्फेट कहां से मिला? सोने के काम के लिए खरीदा था अश्विन ने। खरीदने के लिए लाइसेंस है? लाइसेंस तो फिजियोथेरेपी के लिए भी नहीं था। तुम दोनों का अगला शिकार कौन होने वाला था? पश्चाताप, खेद या ग्लानी का एक तिनका भी नहीं था इन दोनों के दिल में। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स के आदर्श नमूने थे। इनका पहला शिकार कविता जाधव, एक बीमार अकेली औरत, उनकी पहचान की थी। कविता ने उन पर भरोसा किया। शांता तांबे एक नरम दिल मिलनसार महिला थी जो अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी और इस खूंखार जोड़े के मीठे बर्ताव का शिकार बनी। दूसरी ओर पद्मा गांवकर मिलनसार के बिल्कुल विपरीत थी, पर इस जोड़े के ढोंग ने उसे भी बेवकूफ बनाया और उन दोनों को उस घर में एंट्री मिल गई। अश्विन और राधिका के कबूल नामे के अनुसार मीडिया में इन मर्डर्स को लेकर हुए बवाल के बाद उन्होंने कुछ दिन शांत रहने का फैसला कर लिया था, पर बहुत जल्द वो अपने अगले शिकार पर झपटने ही वाले थे। जब कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे तो सतर्क होकर चेक करें, डबल चेक करें और अगर संदेह का हल्का सा भी अंदेशा हो तो दरवाजा ना खोलें। खास तौर पर तब यदि आप एक वृद्ध नागरिक हों और घर पर बिल्कुल अकेले हों। हमारे समाज में अकेले रहने वाले हमारे बड़े सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखना हम फैमिलीज का कर्तव्य है और समाज की जिम्मेदारी भी। अश्विन और राधिका को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 441 के तहत किसी की निजी संपत्ति में आपराधिक इरादे से बलपूर्वक घुसपैठ करने के लिए, धारा 396 के तहत डकैती करते वक्त हत्या करने के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। रिमांड के बाद इस जोड़े को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल ये दोनों जमानत पर बाहर हैं और इन दोनों पर इस वक्त मुकदमा जारी है। फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।